अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फ़ायज़ा इकबाल, आई एम अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स की डेट आने से पहले, मिस होने से पहले आपको कौन सी अलामत ऐसी हैं जिनसे आइडिया हो सकता है कि आप इस साइकिल में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पीरियड्स की पेन, आपको पीरियड्स के आने से पहले पेट के निचले हिस्से में थोड़ी सी क्रैम्पी पेन होती है। ये पेन आपको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में भी हो सकती है और ये इस बात की भी निशानी हो सकती है कि आप प्रेगनेंट हो सकती हैं। शुगर लेवल, जैसे आपकी प्रेगनेंसी होती है आपका शुगर लेवल ड्रॉप करने लगता है, आपको सुस्ती महसूस होती है, बार बार नींद आती है, आपको बार बार खाने की ज़रूरत महसूस होती है और आपको वीकनेस फील होती है। इसके अलावा आपका दिल घबराना या नौजिया होना, मतली महसूस होना या उल्टी आना, ये अलामत भी हो सकती हैं जबकि अभी आपके पीरियड्स मिस भी ना हुए हों। अगर आपका साथ पेट ख़राब नहीं है, आपको बुखार नहीं है, लूज़ मोशंस उस तरह नहीं है, तो फिर ये प्रेगनेंसी की निशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने से आपके पेट में गैस पैदा होती है जिसकी वजह से आपका पेट फूला हुआ महसूस होता है, आपको पेट के अंदर भारीपन महसूस होता है और ये प्रेगनेंसी की भी एक अलामत हो सकती है। प्रेगनेंसी के स्टार्ट में आपको जो कई दफ़ा आपकी स्मेल और टेस्ट की जो सेंसेशन है, फीलिंग चेंज हो जाती है, आपको कई दफ़ा स्मेल पहले जिन चीज़ों की बॉदर नहीं करती थी अब वो आपको बुरी लगती है और आपकी स्मेल की सेंस ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आपको चीज़ों से, कई चीज़ें आपको सिर्फ स्मेल की वजह से खाने को दिल नहीं करता या खाने की स्मेल भी आपको बुरी लगती है। प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, इसकी वजह भी ये है कि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब रेज होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, शरियाने हैं, उनकी टोन कम होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से भी आपको वीकनेस फील होती है और ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। छाती में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसमें छाती का साइज़ थोड़ा आपको बड़ा महसूस हो सकता है, आपको उसमें स्वेलिंग फील हो सकती है और आपको हाथ लगने से दर्द का एहसास आ सकता है। छाती की ये तब्दीलियाँ आती हैं क्योंकि छाती आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है। आपका मूड इरिटेबल आप हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको यूरिन बार बार आना शुरू हो जाए जबकि आपको यूरिन का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ। ब्लड प्रेशर, शुगर कम होने के साथ साथ आपको नींद ज़्यादा आती है, आपको बार बार नींद लेने की ज़रूरत महसूस होती है, रात के अलावा दिन में भी आपको ऐसे लगता है कि आपको नींद आ रही है। जब आपको अपनी एक्सपेक्टेड डेट से पीरियड्स ना आएँ और 3-4 दिन ऊपर गुजर जाएँ तो फिर आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने की ज़रूरत है, उस सूरत में आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगनेंसी में पीरियड्स आने के आसपास के दिनों में आप, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है जो कि जस्ट एक माइल्ड सा स्पॉट होता है और उसमें थोड़ी सी पेन हो सकती है लेकिन इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, ये भी इस बात की निशानी है कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के लिए एक प्रेगनेंसी टेस्ट है जिसकी हमने एक वीडियो शेयर की हुई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी अब भी पहले से ही पता चल जाए कि आप इस साइकिल में प्रेग्नेंट होने वाले हैं या नहीं, तो आप पीरियड्स की डेट मिस होने से हफ्ता 10 दिन पहले भी सीरम बीटा ECG का टेस्ट करा के अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म कर सकते हैं।